दोस्तों, मैं सुमित कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हमारे वीडियोज सीधे ही पहुँच सकें, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके हमारे वीडियो अपलोड होने की। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा आज पहला प्रश्न है वो है लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। लोकसभा जो कि निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है, और दोनों की संयुक्त बैठक कब होती है। तो दोनों की संयुक्त बैठक होती है संसद का सत्र शुरू होने पर। जब संसद का सत्र शुरू होता है तो दोनों सदनों की क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। कौन सा सम्मेलन? गोलमेज सम्मेलन। अब गोल तो गोल क्या होता है, मोती होता है साहब। गोल क्या होता है, मोती होता है। तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने सर्वप्रथम 1922 में यह मांग की थी कि संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो वो किया था साहब 1936 में जो है प्रस्ताव पारित किया था, किसने? कांग्रेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो वो की थी साहब जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू साहब ने जो क्या की थी 1938 में, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से स्टार्ट था और इन्होंने वर्ष 1942 में किस योजना के तहत, मतलब जो योजना है, जो योजना चल रही थी उस योजना का नाम है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा, निर्वाचित मतलब जो कुछ सदस्यों द्वारा निर्वाचित की जाए, तो निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो वर्ष 1942 में जब क्रिप्स मिशन योजना भारत में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी वो थी साहब नरगिस दत्त। नरगिस दत्त जी जो है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री, फिल्म अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है। संविधान संशोधन जो है 5 प्रकार से किया जाता है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, 5 प्रकार से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे साहब। तो कैबिनेट मिशन योजना कब आई, 1946 में आई। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे, वो होने थे 389। 389 मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मिलाकर पूरे 389 जो है सदस्य होने थे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव निश्चित हुआ तो वो हुआ जुलाई 1946 में जो है कैबिनेट संविधान सभा के लिए चुनाव निश्चित हुआ। और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, तभी से संविधान बनाने की जो है रूपरेखा चालू हो गई थी, और जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव की घोषणा हुई। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है साहब, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति साहब को जो है किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति घोषित कर सकते हैं हमारे को राष्ट्रपति जी। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। तो वो किया था साहब जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया था। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने प्रस्तावित कर संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू साहब ने। और जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, भारत में जो है 21 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो वो रह गई साहब 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है अलग हो चुकी थी, तो 299 सदस्यों की संख्या रह गई, उनके जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो अलग हो चुके थे। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो वो नहीं लिया साहब हैदराबाद। हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे, जो राजा थे, वो थे निजाम। तो निजाम ने क्या किया, संविधान सभा में भाग नहीं लिया, और इन्होंने जो है स्वतंत्रता के समय अपनी रियासत को एक स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया था। किसने? हैदराबाद के निजाम में। तो संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो वो लिया नहीं लिया हैदराबाद, जो हैदराबाद है सबसे बड़ी रियासत थी, उसने नहीं लिया। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, जो विभिन्न संविधान के स्रोत हैं उनमें से जो है भारत शासन अधिनियम 1935 संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। तो भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो वो किया गया है साहब अधिनियम 1935 के, आधे से ज्यादा जो अधिनियम है 1935 के संविधान में जो के त्यों वर्णित किए गए। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मामले हैं वो उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। सब राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले जो हैं वो कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? साहब प्रथम जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे जीबी मावलंकर। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर साहब थे, जीबी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ भारत में तो वो हुआ 20 जुलाई 1951। पहली बार तो लास्ट में क्या आएगा, बन जरूर आएगा, तो पहली बार किया गया चूंकि, तो 1951 लास्ट में क्या आया, बन आया। तो 1951 में 20 जुलाई 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया तो वो बनाया 1955 में। नागरिकता में आप देखो कि 5 शब्द हैं, तो 1955 में ही बनेगा साहब, 555 आ रहे हैं 1955। नागरिकता संबंधी अधिनियम बनेगा तो नागरिकता में 5 शब्द हैं, तो 1955 में भी लास्ट में 5 ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, और लोकसभा की भी 25 वर्ष है। अगर आप 25 वर्ष के हैं तो आप प्रधानमंत्री के बनने के लायक हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो वो हुआ सितंबर 1946 में जो है अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था साहब। कब हो चुका था? सितंबर 1946 में। मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? मुस्लिम जो लीग जो है अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। मुस्लिम लीग कब हुई थी? अक्टूबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? तो वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन चला था, तो वो चला था 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा का पहला अधिवेशन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? देश स्वतंत्र हो गया साहब 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को, है ना। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि देश स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो वो हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को। महत्वपूर्ण फैक्ट है साहब, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो 31 अक्टूबर 1947 को। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा साहब को। सच्चिदानंद सिन्हा साहब को जो है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो बेथे साहब राजेंद्र प्रसाद साहब जो प्रथम राष्ट्रपति बने वो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष उन्हें चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान निर्माण की दिशा में
पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो वो किया था सर जवाहरलाल नेहरू साहब ने। जवाहरलाल नेहरू साहब ने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा जो है देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है साहब, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो कि है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष और बहुत सारे जो है इसकी बड़ी प्रस्तावना है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो वो है साहब जनता में। सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे साहब? तो भारत के जो प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने वो बने मनमोहन सिंह। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे साहब? प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई साहब जो थे वो प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति साहब। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति साहब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो वो दी गई है साहब प्रस्तावना को। भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? उसकी आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो केरल का उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम में जो है केरल का उच्च न्यायालय है। कहाँ पर है? एर्नाकुलम में केरल का उच्च न्यायालय है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के लिए जो प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करता है, तो वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? कितने? कौन से संविधान? 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई 545। कितनी की गई? 545 की गई साहब। हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य बना 1 नवंबर 1966 को। 1966 को जो है हरियाणा राज्य बना था साहब। कब बना था? 1966 को। दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? दीवानी मामलों में जो है संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? तो संसद के सत्र के दौरान जो है दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? संघीय मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री थे, तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने संघीय मंत्रिपरिषद से सर्वप्रथम त्याग पत्र दिया था। भारत के संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है साहब? तो वो होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अर्थात कैग जो है वो होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को चुनता है साहब लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो वो बनी सुचिता कृपलानी। उत्तर प्रदेश यूपी बोलते हैं, जैसे यूपी तो सुचिता यूपी। यू मतलब तुम, पी मतलब पी, तो क्या पी? सुचिता कृपलानी। अर्थात इन्होंने क्या किया साहब? सोच समझकर जो है कृपा की, तुझे क्या बननी साहब? मुख्यमंत्री बन गई जो है, जो कि महिला थी और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी सुचिता कृपलानी साहब। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? तो प्रथम जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें उम्मीदवारों की संख्या थी 1874। अब देखना लोकसभा में कितने अक्षर हैं? 1, 2, 3, 4। लोकसभा में 4 अक्षर हैं, तो 1874 लास्ट में 4 ही आएगा साहब। 1874 में जो है 1874 उम्मीदवारों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने वो बने साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के उप प्रधानमंत्री बने, जिन्हें की सरदार की उपाधि बारदोली
सत्याग्रह में जो है वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि एक वरिष्ठ नागरिक थे जिन्होंने भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है साहब? तो सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का जो है कारोबार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो वो थे राजकुमारी अमृत कौर। दादरा एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? दादरा एवं नगर हवेली जो है मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत क्या आता है? दादरा एवं नगर हवेली आता है। मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया है? तो मूल संविधान में जो है चार वर्गों में रखा गया था साहब। राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? चार वर्गों में रखा गया। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? लोकसभा की अगर सदस्यता प्राप्त करनी है तो उम्मीदवार को लगभग कम से कम 25 वर्ष तो होना ही चाहिए साहब। 25 वर्ष की आयु तो होनी ही चाहिए। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो वो हुआ साहब 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्णतः लागू हुआ था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो वो की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी साहब। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? 1962 में की गई थी। डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जो डोंगरी बोली जाती है वो बोली जाती है साहब जम्मू और कश्मीर में। डोंगरी जो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर में। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है साहब, एक प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति मिली? तो वो मिली 21 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को स्वीकृति मिली। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय जो संविधान है वो 22 भागों में विभाजित है। 12 अनुसूचियां, लगभग 444 अनुच्छेद हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? केंद्र और राज्य के बीच जो है धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्य के बंटवारे के धन के बंटवारे में जो है सलाह देते हैं साहब। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो सबसे पहले जन्म के आधार पर, फिर वंशानुगत और पंजीकरण के आधार पर भी जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? जो भारतीय संविधान है उसने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है साहब? वो अपनाया है साहब लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो मंत्रिपरिषद होती है उसका अध्यक्ष होता है साहब प्रधानमंत्री जी जो है मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है साहब। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जे बी कृपलानी। तो क्या हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। तो किसी ने कहा साहब जे बी कृपलानी साहब ने क्या कर दी कृपा ला दी साहब। तो ये क्या है, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? तो वो नहीं जोड़ा गया साहब गुट निरपेक्ष। का अर्थ है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तो गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। बार बार परीक्षा में पूछा गया है, किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो वो है जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो वो अपनाई गई है संसदात्मक प्रणाली जो है भारत में अपनाई गई है। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? तो वो है साहब ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली का भारत की संसदीय प्रणाली पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो लिया गई है आयरलैंड। तो ट्रिक बताई थी साहब, आ यार लैंड। अगर नीति अगर आपको चाहिए है, सलाह चाहिए है किसी से, नीति मांगना है, तो आप किससे मांगेंगे? यार से मांगे। तो आ आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? सर भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान की संशोधन की प्रक्रिया ली गई है साहब, क्योंकि अफ्रीका और जाफ्रीका, तो संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका सलाह देने वाले तो बहुत मिलते हैं, फ्री की अगर सलाह मिल जाए तो अफ्रीका और जाफ्रीका, तो बहुत से मिल जाते हैं साहब सलाह देने वाले फ्री की। तो अफ्रीका और जाफ्रीका से हमने क्या लिया? संशोधन की प्रक्रिया ली, इन्होंने हमें सलाह दी, तो हमने क्या कर दिया साहब, संशोधन की प्रक्रिया यहाँ से ग्रहण कर ली, क्योंकि इनकी सलाह जो थी वो अच्छी थी। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा था? तो 28वां राज्य था झारखंड। झारखंड 28वां राज्य क्या था साहब? झारखंड था। झारखंड जो है 28वां राज्य बना भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया? जो हिमाचल प्रदेश है उसको राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, तो वो किया गया 1971 में। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ, तब हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया साहब। 1971 में क्या हुआ था? पाकिस्तान का बंटवारा और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो वो बना 1951 में। फिर देखो लास्ट में बनाया, पहला संवैधानिक संशोधन है तो वो कब बनेगा साहब? 1951 में ही बनेगा, क्योंकि लास्ट में बन और पहला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। एक क्वेश्चन बार बार कंफ्यूजन वाला होता है कि भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया और भारत का संविधान कब लागू किया गया। भारत का संविधान अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई तो वो की गई 1985 में। 1985 में और 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1950 में जो है प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जो है विधान परिषद को समाप्त कर दिया था साहब। एक विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, तो विधान परिषद को इन्होंने कर दिया समाप्त कर दिया। कौन ने? तमिलनाडु ने। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम और गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? देश के किस राज्य में सर्वप्रथम? तो वो हुई थी 1957 में केरल में साहब। देश के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? तो 1957 केरल में। किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो है विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि साहब उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे आगे है और सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है? जनसंख्या है, जबकि क्षेत्रफल में कौन है? राजस्थान। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? तो वो करता है प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति साहब जो अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची तैयार करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियों की व्यवस्था है, व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तब तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय शासन जो अधिनियम 1935 है वहां से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में। 1975 में क्या दिया गया? सिक्किम को राज्य का दर्जा मिल गया साहब। सिक्किम को क्या मिल गया? राज्य का दर्जा मिल गया। कब मिल गया? 1975 में। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। अब देखना जनता की बात आती है, जनता पार्टी, अब जनता में जो है इनका नाम देखो, नीलम अलग है, संजीव अलग है, रेड्डी अलग है, तो ये क्या है? जनता ही तो है साहब, अलग अलग नाम। तो जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। तो ये क्या है? जनता पार्टी के दौरान नीलम संजीव रेड्डी साहब जो है
राष्ट्रपति थे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? जे बार बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष आप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय होता है सदन के अध्यक्ष का। सदन जो चल रहा होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है दल बदल से संबंधित। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, भविष्य का निर्धारण करेगी? तो वो महात्मा गांधी साहब, महात्मा गांधी ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी कि किस प्रकार से संविधान होना चाहिए, किस प्रकार से उसकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, महात्मा गांधी साहब ने 1922 में कहा था। संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है? संसद पर होने वाले खर्चों का जो है नियंत्रण रहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक साहब का, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक साहब का संसद पर होने वाले खर्चों पर उनका नियंत्रण रहता है, क्योंकि सारी जो है लेखा जो कर इनके पास होता है, रिपोर्ट इनको बनानी पड़ती है पूरी, तो सारा नियंत्रण किसके पास होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? राज्यसभा की जो पहली महिला महासचिव है बी एस रमा देवी जो है राज्यसभा की पहली महिला महासचिव बनी। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिन तक अगर कोई सदस्य अध्यक्ष की बिना अनुमति के उपस्थित सदन में उपस्थित नहीं होता है तो उसका पद क्या कर दिया जाता है? रिक्त घोषित कर दिया जाता है। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो वो किया गया 1962 में। 1962 में पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? राज्यों का संघ जो है भारत का संविधान इस रूप में इसको वर्णित करता है। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा जो है एक ऐसा सदन है जिसके अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, जबकि उपराष्ट्रपति साहब जो है उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं और उस सदन की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता तो वो नहीं होता राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है पांच क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? हाँ, पंचायतों को कर लगाने का अधिकार दिया गया। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था साहब? तो वो किया था गुलजारी लाल नंदा साहब ने। कुछ दिनों के लिए जो है पद ग्रहण किया था, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई साहब? तो नागौर। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? तो वो हुई नागौर से। किसी ने साहब पंचायती राज पर गौर नहीं किया तो नागौर में क्या हुआ? ना गौर करो, हम तो साहब पहले जो है पंचायती राज की व्यवस्था कर देंगे, तो नागौर। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना, यहाँ पर कह का है तो कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो वो आए थे 208 होकर आए थे साहब। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था? मुस्लिमों के लिए अलग संविधान चाहती थी साहब। जो मुस्लिम लीग थी वो क्या चाहती थी? एक अलग मुस्लिमों का जो है एक अलग संविधान हो, इसलिए उन्होंने क्या किया था? संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं, और इसी तरह आप हमें प्रोत्साहन करते रहें तो हम आपको अगले जो वीडियोज़ हैं वो भी लगातार बनाते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।